हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी के कोर्स में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स को देखते हुए आज आप सभी के लिए जनगणना से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, क्योंकि जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछ जाते हैं पेपर में। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, सारा कन्फ्यूजन सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारा क्वेश्चन को आपसे याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में आपसे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। डी राइट आंसर हो जाएंगे बृहत्तर मुंबई नगर समूह, यहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न ये बन रहे हैं, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर टू के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। डी राइट आंसर है थाने। थाने जो है फ्रेंड, ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, यानी डी राइट आंसर आते हैं। अगला प्रश्न ये बन रहे, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। चलिए बताएंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए राइट आंसर, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ए राइट आंसर है मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई, सबसे अधिक जनसंख्या मुंबई में है, उसके बाद कोलकाता तब दिल्ली तब चेन्नई में है, यानी ए राइट आंसर आते हैं। अगला प्रश्न ये बन रहे, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सी राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है फ्रेंड, ये द्वितीय सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और प्रथम पे आते हैं उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न ये बन रहे, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष प्रारंभ की गई। बी राइट आंसर है 1881 में। अगर जब भी विधिवत की बात करें, विधिवत जनगणना कब प्रारंभ की गई थी, तो यह की गई थी 1881 में, और सबसे पहला जनगणना कब हुआ था, 1872 में हुआ था लॉर्ड मियो के समय में, और यह हुए थे 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, विधिवत जनगणना सबसे पहली बार की गई थी। अगला प्रश्न ये बन रहे, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है। डी राइट आंसर देंगे सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न ये बन रहे, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का अस्त्र सर्वोच्च है। ए राइट आंसर है मिजोरम में साक्षरता का दर सर्वोच्च है और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है वह केरल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है। सी राइट आंसर है मिजोरम में महिला साक्षरता दर अधिकतम है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है, भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है। सी राइट आंसर है विस्तृत आधार और शुंडाकार शीर्ष है, यानी सी राइट आंसर आता। अगला प्रश्न ये बन रहे, निम्नांकित देश समूहों में से किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। ए राइट आंसर है बांग्लादेश पाकिस्तान और जापान, ये तीनों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये राज्य का नाम है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न बन रहे, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बी राइट आंसर है सिक्किम जो है फ्रेंड, ये भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। सी राइट आंसर देंगे उत्तर प्रदेश जो फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई? ए राइट आंसर है 1872 में। 1872 में पहली बार जनगणना लॉर्ड मियो के समय में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले प्रमुख प्रजाति समूह द्रविड, आर्य और मंगोलाव हैं। मंगोलाव कहां रहते हैं? सी राइट आंसर है उत्तर पूर्व भारत में रहते हैं मंगोलाव। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? डी राइट आंसर देंगे दिबांग घाटी। ये जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम स्तर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम स्तर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? ये राज्य का नाम है केरल, यानी बी राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई। बी राइट आंसर है मेघालय राज्य की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? ए राइट आंसर देंगे बिहार ने की है। अगला क्वेश्चन है, भारत आज जनांकी की संक्रमण के किस चरण में है? सी राइट आंसर देंगे उच्च जन्मदर तथा गिरती मृत्यु दर। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए अगर बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश की तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश में। अगर राज्य की बात करता तो यहाँ पे आ जाता बिहार, पर यहाँ ना राज्य दिया हुआ है ना ही केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है, तो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे बिहार और दिल्ली, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक है? तो ये राज्य का नाम है केरल, यहां जो है कि पुरुष से अधिक स्त्रियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है और जिसके बाद स्थान है? मिजोरम का सी राइट आंसर है। सबसे अधिक साक्षरता जो है वह केरल राज्य में और इसके बाद है मिजोरम राज्य का। अगला प्रश्न ये बन रहे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम है? सी राइट आंसर है। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद मिजोरम का, तब सिक्किम, तब नागालैंड का। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस टॉपिक में हम सभी कुल 25 क्वेश्चन कवर किए जनगणना से संबंधित। आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम। पर ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।